हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, आज सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स का और इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजी कि भाई कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दिसंबर के लिए, सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया जाए और उससे कम किस पर, और फिर सबसे कम किस पर। ठीक है, तो पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पूरी स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनना इस बात को। मैं अपने इस स्ट्रैटेजी के अंदर पिछले एमक्यूपीज को कंसिडर कर चुका हूं, दो तीन बार एमटीपीज आ चुके हैं उनको कंसिडर कर चुका हूं पिछले दो तीन अटेम्प्ट के, प्लस पिछले दो तीन अटेम्प्ट के पेपर्स भी कंसिडर कर चुका हूं, और उनको कंसिडर करते हुए मैंने ये आपके सामने एक एनालिसिस बनाई है। और वो एनालिसिस कुछ ये, देखो आपको तो पता ही है चैप्टर्स क्या क्या है, बट अब सबसे ज्यादा फोकस किस पे करने की जरूरत है, आओ दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये है पीजीबीपी का टॉपिक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ना तो वो है पीजीबीपी कैपिटल गेन मैट। बच्चों पीजीबीपी के साथ ही मैट लगता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो कि कंपनीज के लिए होता है, तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल टैक्स की बात करें, और आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आप इन पांच टॉपिक को बहुत अच्छे से कर जाओ। अच्छा, कैपिटल गेन में भी कंपनी वाले केसेस सारे, इसके अलावा नॉन रेजिडेंट्स वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैट तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीजीबीपी आएगा तो मैट तो आएगा ही आएगा। डीटीए और आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर आप ये कर जाओ ना तो आप बताऊं पासिंग तो यहीं पर बन जाएगा, पासिंग तो यहीं बन जाएगा। कम से कम 40 मार्क्स का तो वेटेज इन्हीं चैप्टर्स का है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आ जाते हैं, ये तो हो गई मेरी कैटेगरी ए, जिनको मैं कैटेगरी ए रैंक देता हूं। कैटेगरी बी, बट उससे आप पास तो हो जाओगे, बट वो भी एक एक एस्टिमेट है, क्योंकि हो सकता है कुछ और टॉपिक्स भी आ जाए, और जरूरी नहीं है कि इन्हीं पर। देखो अभी तक कुछ तीन चार पेपरों में की बात करें तो इन पर फोकस ज्यादा किया गया है, बट कभी भी इंस्टीट्यूट अपना तरीका चेंज कर सकता है, पैटर्न चेंज कर सकता है। तो वैसे आपको ये देखना चाहिए ये वाले पेपर्स। उसके बाद अगर आप बात करो सर बी कैटेगरी में कौन से डालते हो, तो बी कैटेगरी इज लेस इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट तो ये भी है। मतलब अगर आप ये चैप्टर कर जाओ तो 100% पास हो। कौन कौन से हैं? टीडीएस, जिसके अंदर आपको इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट सारे टीडीएस के सेक्शंस पता होने चाहिए। पेनल्टीज, रिटर्न्स की, और असेसमेंट, इसमें असेसमेंट भी आ जाता है, जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो सब इसके अंदर ही आ जाएगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, कल को आपको कोई केस करना है, हाई कोर्ट, आईटैट, ये सब चीजें क्या होती हैं इसके बारे में। टैक्स प्लानिंग, और एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर है बच्चों, जहां पर आपको अनएब्जॉर्ब डिप्रेशन को कैसे सेट ऑफ करना है, पुराने बिजनेस लॉस, जो बिजनेस बंद हो गए अमेलगमेशन में, या कभी कोई डीमर्जर हो रही है कंपनी तो वो कैसे लॉसेस को सेट ऑफ करती है, इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये मैं रैंक बी देता हूं इनको, और रैंक बी का मतलब हो गया ए से कम इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे इतना कर जाओ तो भैया काम तो बन गया मैक्सिमम। अब आ जाते हैं कैटेगरी थ्री में। तो देखो आप लोग समझ गए ना, आर्म्स एंड प्राइस तो आप समझते ही हो, वही ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। एक डीटीए में भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पक्का आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं इनमें। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक मनी एक्ट, जो कि मैं कैटेगरी सी में डालता हूं, लेस इंपॉर्टेंट है, छोड़ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एमसीक्यू आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन छोटा मोटा आ सकता है। ब्लैक मनी एक्ट, गार, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, सीबीडीटी एंड अथॉरिटीज, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आईसीडीएस और केस स्टडीज, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम। बच्चों आप मानोगे नहीं, पिछले एमक्यूपी में जो दिसंबर के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बना है उसमें इन्होंने सैलरी का क्वेश्चन दे दिया है। दिखाऊं? ये देखो, हैरान हो जाओगे, ये देखो सैलरी का क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ये भी कहना चाह रहा है कि भाई साहब सैलरी इनकम भी पढ़ो। ये लो पूरा सैलरी क्वेश्चन, ये देखो, ये रहा, रमेश इज नाइदर अ डायरेक्टर नॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, बेसिक पे, बोनस, एजुकेशन अलाउंस, फैसिलिटी, स्वीपर अलाउंस। लो बच्चे क्या सोच रहे, इंटर वाले सब टॉपिक थोड़ी ना आएंगे, लो इंटर वाले टॉपिक भी आ गए, पढ़ के तो सब कुछ कर जाना है। अब इंस्टीट्यूट ने बुक में नहीं दिया है बट करके तो जाना ही है, क्योंकि इंटर वाली चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो भाई साहब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो। हाउस ऑफ सैलरी इनकम को फिर भी मैं कहूंगा कि उसके चांसेस हैं बट कम है, स्टिल आप इन चैप्टर्स को फिर भी आप
अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपकी एंड टाइम पे तैयारी नहीं है तो। ब्लैक मनी, गार, ई कॉमर्स, सीबीडीटी, आईसीडीएस केस स्टडीज और एचपी और सैलरी इनकम। बट ये जो चैप्टर्स है ना, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, समझ गए? तो ये तो आपको करने ही करने हैं, और वो भी बहुत अच्छे से करने, ताकि इसी में आपके नंबर, पासिंग मार्क्स तो आराम से बन जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे कंटेंट में रिविजन लेके आने वाला हूँ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, मैं रिविजन कंटेंट लेके आने वाला हूँ, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, मैट, मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं कैटेगरी ए तो कवर करने वाला हूँ अपने यहाँ पर, कैटेगरी ए तो मैं कवर करने वाला हूँ, इसकी रिविजन, फिर कैटेगरी बी के भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ कुछ रिविजन मैं कवर करने वाला हूँ। तो कोशिश होगी कि आपके ऐसी रिविजन हो जाएगी कि आप लोग एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे, ठीक है। बट आप तरीके से करना, जो चीजें मैं बोलूं वो जरूर करना, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।